नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शर्मा। तो आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर पायलट की चूक की वजह से हुआ था क्रैश, ना कि कोई साजिश या तकनीकी खराबी थी। देश में 24 घंटे में 2.67 लाख नए केस आए सामने, जिसमें 398 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 30 स्टेट यूनिवर्सिटी में 73% सवर्ण कुलपति, जिसमें एससी 3% रह गए हैं। इनका कारण बताया है राजभवन की नियुक्ति करना। डॉक्टर वटुआ ने कहा कि दुनिया ने माना कि सुअर का दिल भी इंसानों में लग सकता है। 2021 इतिहास का सबसे गर्म साल रहा है, साथ ही बताया कि 21 साल में भी सबसे अधिक बारिश हुई है। मनाली में देवादेश के 42 दिन तक नौ गांव में नहीं चलेगा चूल्हा, ना ही बंद टीवी और पूजा पाठ भी नहीं किया जाएगा। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि सरकार फिर से दूसरी लहर की तरह कर रही है नाकाम कोशिश। जयपुर में मकर संक्रांति के दिन दिवाली जैसी रोशनी देखी गई, साथ ही पतंगबाजी और आतिशबाजी भी खूब रही। आर्मी स्कूल में निकाली हजारों भर्तियां, 57 साल के भी लोग कर सकेंगे आवेदन। अगस्ता हेलीकॉप्टर की 5 बार हुई नीलामी नाकाम कोशिश, साथ ही 6वीं बार भी होगी नीलामी। सत्ताधारी पार्टी में सियासी धमाके का अंदेशा, साथ ही खुद खास को सुनाने पहुंचे, खुद पहुंच गए जेल। सचिन ने कहा कि बीजेपी ने राम मुद्दा बना लिया है, जो नहीं चल पाएगा उनके ही नेता बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस के 2 पार्षदों का समर्थन एक साथ हुआ, जिसमें चेयरमैन एक साथ होने की वजह से आशंका जताई। आईबी के अधिकारी बेटी को ने किया सुसाइड, पति ने आपकी नस काटी तो साथ ही पत्नी ने पिया जहर। दरगाह में वीडियो बनाने वाली फिटनेस ट्रेनर ने मांगी माफी, साथ ही दरगाह कमेटी भी अपना वापस लेगी दर्ज केस। 70 साल पहले चांदी चौक से आग रोड पहुंची रबड़ी, पहले होता था 3 रुपए किलो का व्यापार, अब हो रहा है करोड़ों का रुपया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 19 साल के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की हुई मौत, इसका कारण बताया ऑक्सीजन लेवल कम होना। मध्य प्रदेश में हुई बूंदाबांदी, जिसमें तापमान में देखा गया बदलाव। पानीपत में 4 दिन में 30वीं वारदात को दिया अंजाम, ट्रू कॉलर कॉलिंग करके मांगी 25 लाख की फिरौती। बिहार में शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई, जिसकी वजह से गंभीर माहौल बन गया है। बीपीएससी ने निकाली नई भर्ती, साथ ही 10 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बांदा में एक युवक को मारी गोली, हालत गंभीर है युवक। गुड़गांव में 14 दिनों में 13 गुना रफ्तार से बड़े कोरोना पॉजिटिव केस, जिसमें 2 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में सर्द हवाओं के चलते तापमान में हुई गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय आर्मी दिवस के मौके पर सैनिकों का किया गया सम्मान। 5 मिनट में 25 खबरों, फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।